The Ghost Tree. नियानवुड जंगल की एक ताजा सुबह। जब से यह दुनिया बनी है, हर एक रात अपने समय पर जाती है और नई सुबह आती है। आइए देखते हैं क्या क्या लेकर आया है यह दिन हमारे नियान के लिए। पियो पियो, जितना पानी पीना चाहते हो पियो। मुझे पानी नहीं चाहिए। मैं आपसे पानी पीने के लिए नहीं कह रही थी सर, मैं तो इस पौधे से कह रही थी। क्या इसे कुछ समझ भी आता है? इनमें भी जान है सर, ये सब समझते हैं। गुड इवनिंग, और मैं हूँ माइक, लेकर आया हूँ नई ताजा खबरें। इस हफ्ते फिर खबरों में है नकाबपोश नींदा। हमारा इस हफ्ते का हीरो। ओ, ये तो हम हैं। हाँ, इसे नहीं छोड़ूंगा। ये है दुनिया के सबसे अच्छे ताजे मशरूम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो लोगों को नहीं मालूम कि ये मशरूम खाने से आप स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ रहने के साथ साथ आपको मिलती है ढेर सारी ताकत। ओह, अगर ये बात सच है तो क्यों ना चलकर थोड़ा मशरूम लिया जाए और अपनी सेहत बनाई जाए। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन दिनों ये मशरूम बड़ी तेजी से जंगल में उग रहे हैं। तो चलो हम जंगल चलें। पर दोस्तों, एक पते की बात ये है कि उस जंगल में भूत घूम रहे हैं। हाँ, अपना मुंह बंद रखो, मुझे किसी भूत से डर नहीं लगता। क्या यही वो जंगल है जहाँ से तुम अच्छे मशरूम लाते हो? हाँ, यही वो जंगल है। इतना अजीब जंगल तो मैंने आज तक नहीं देखा। जल्दी से मशरूम ढूंढो और यहाँ से वापस चलो। हाँ ठीक है, लेकिन मशरूम मिले तो सही। दिल में इरादे बड़े पक्के हैं, हम छोटे बच्चे मन के सच्चे हैं। देखो सामने दो रास्ते हैं, किस तरफ जाएं? मुझे तो लगता है हमें इस तरफ जाना चाहिए। सभी उस तरफ से नहीं, इस तरफ से चलो। वो अच्छे वाले मशरूम तो इसी जगह मिलने चाहिए, है ना? लेकिन अगर इस तरफ हमें भूत मिल गया तो? लगता है तुमने पढ़ा नहीं, साइंस में लिखा है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। तो फिर चलो, आ जाओ सब मेरे पीछे पीछे। मुझे नहीं लगता यहाँ हमें मशरूम मिलेंगे, समझे? मेरे हिसाब से तो जंगल के इस हिस्से में बहुत से मशरूम होने चाहिए। मेरी मानो तो मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ? क्या तुमने भी अभी इस पेड़ को चलते हुए देखा? क्या ये पेड़ सचमुच में चला होगा? हाँ, ये चला जरूर था, मुझे ऐसा महसूस हुआ, और मैं कभी गलत नहीं बोलती। हाँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भूत होंगे। सुना है ये बदमाश भूत जंगल हत्याना चाहते हैं, ये अफवाह है। अगर उन्होंने हमला किया तो मैं लड़ूंगा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? आखिर तुमने मेरे सर पर मारने की हिम्मत कैसे की? मारा? मैंने? ओ, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? और किसी ने तो मारा है कौन? पर किसी ने तो मारा है, कौन है, कौन है ये? बस करो। मुझे लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए। कमाल है, हम इतनी दूर तक आ गए हैं, अब बिना मशरूम्स को ढूंढे ही वापस चले जाएं। अगर वो मिल जाते हैं तो ये साइंस की बहुत बड़ी खोज होगी। अब अगर भूत आ जाए तो? चले जाओ, हाँ चले जाओ। अब ये लोग 10 सालों तक मशरूम्स के बारे में नहीं सोचेंगे। मेरे हाथ दुखने लगे। बस अब छोड़ो भी, चलो वापस चलते हैं सारा किची। मुझे भी यही लगता है। ये तो गिंको है। ओह, कौन तुम हो? डर के मारे तो मेरी जान ही निकल गई थी। क्या तुम लोग भी हमारी तरह ही जंगल में मशरूम तोड़ने आए हो? क्या तुम दोनों भी इसी आए हो? आजकल वो काफी मशहूर है। अगर हमें मिला तो हम किसी को नहीं देंगे। ठीक है, मत देना। वैसे भी अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। गिंको, क्या तुम्हें यहाँ कोई भूत वो नजर आया? तुम लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम लोगों ने भी यहाँ भूत देखा? देखने से पहले ही गायब हो जाता है। सर, यह भूत है। ओ, मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई भूत नहीं है। आ,
किसने मारा? ये वाकई पेड़ है क्या? ये तो मुझसे शैतानी कर रहा है। मैं हूँ हरा भरा पेड़ प्यारा, ठीक कहा तुमने, तुम्हें मैंने मारा। आओ ये पेड़ को बोलने लगा। मैं डरता नहीं हूँ, बस इसकी आवाज सुन के थोड़ी सी हैरानी हो रही है। कमाल है नियोर, तुम तो कहते हो कि तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम्हें वो मशरूम तोड़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। हमारे जो दिल में आएगा वो हम करेंगे। तुम्हें जान प्यारी है तो अभी भाग जाओ, फौरन भाग जाओ, इसी वक्त भाग जाओ, तुरंत भाग जाओ। तुम जिंदगी में कभी हंसते नहीं हो? इसमें हंसने की क्या बात है? देखो तुम मेरे रास्ते में मत आओ, चलो भागो यहाँ से। वहाँ मत जाना वरना ये पेड़ नियॉन की तरह तुम्हें भी निकल जाएगा। अर्किंग का वो पेड़ मेरे सर को निकल गया। बड़ा आया मुझसे कहता था कि भाग जाओ, अब देखता हूँ मेरे पेट के अंदर से कैसे भागता है। कुछ तो बताइए। हम कुछ नहीं कर सकते, अब इसका मुंह खुलवाने का कोई रास्ता नहीं है। नियॉन सर मैं आ रही हूँ। रुको, कौन कहाँ जा रही हो? ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। मैं इसकी आदत अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैंने पहले रस्सी बांध दी थी। तुम्हारा जवाब नहीं सारा किची। बोलने वाले पेड़ मेरे नियॉन से मुझे लौटा दो। मेरा नाम कौन है? मैं हमेशा पेड़ पौधों से बातें करती हूँ। सर कहते हैं कि पेड़ पौधे बातें नहीं समझते, पर मुझे पता है कि आप सारी बातें समझते हैं। प्लीज आप मेरे नियॉन सर को वापस कर दीजिए। खुदा कर ले जाओ। नियॉन सर कौन? इसे खींचता हूँ। इसने तो आकर मेरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू। कोई बात नहीं। कौन? अब हम कैसे बचाएं नियॉन को? वो पेड़ की गहराइयों में है, अगर पेड़ ने मुंह खोल भी दिया तो वो अपने आप बाहर नहीं आ पाएंगे। कोई रास्ता नहीं, अब तो उसकी मदद के लिए नियांडर को ही बुलाना पड़ेगा। नहीं ऐसा मत करना, नियॉन सर को ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें। अच्छे पेड़ एक बार मुंह खोल दो प्लीज, तब तो मुझे तुम्हारे साथ वो करना पड़ेगा जो सच में मैं करना नहीं चाहती। तुम्हें इस वक्त जोर की नींद आ रही है, तुम्हें इस वक्त जोर की नींद आ रही है। यही मौका है। कौन कह रहा है कि मैं नियांडर की मदद के लिए पुकारूं? आप यहाँ इस सफेद भूत से बचाओ। ना कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। मुझे किसी ने पुकारा है, मुझे वहाँ फौरन पहुँचना चाहिए, वो दोस्त हो या दुश्मन। जो जंगल की रक्षा करने वाले को नुकसान पहुंचाएगा उसका यही हाल होगा। जंगल की रक्षा करने वाला? ये बोलता हुआ पेड़ है ना, यही तो हम सबकी रक्षा करता है। ये जंगल के सारे प्राणियों की देखभाल करता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। जैसे तुम दूसरों की रक्षा करते हो वैसे मैं भी जंगल की रक्षा करता हूँ। वाना मैं जंगल का हीरो। मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया। ये तो मशरूम है, रुको रुको। कौन?
तुम्हारे नियोन को खाने के अलावा तो कुछ और सोचता ही नहीं। इस तरह आज भी नियोन का आइडियल रवैया लोगों को अच्छा नहीं लगा। बस कुछ ही पलों का इंतजार और हम लेकर आ रहे हैं और भी मजेदार, जोरदार, सनसनीखेज कारनामे।